वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू पोयम द रोड नॉट टेकन इन इंग्लिश भालवाटी टेक्स्ट बुक इन क्लास 9। सो लेट्स बिगिन अवर पोयम। बच्चों आज हम क्लास 9 में द रोड नॉट टेकन पोयम पढ़ने जा रही है। बहुत ही अच्छी पोयम है, इसको सुनने में पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो ये पोयम ऐसी है, द रोड नॉट टेकन, मतलब ये ऐसी है जो इस पोयम के जो राइटर है, इस पोयम के राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने बहुत ही अच्छी पोयम लिखी, उन्होंने इस पोयम में एक मैसेज दिया है, वो स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू। द रोड नॉट टेकन मतलब यहाँ पे एक ऐसा जो पोएट है इस पोयम में क्या कहना चाहता है, जैसे हमारी लाइफ में कभी ऐसे हम दो मोड़ पे खड़े हो जाते हैं कि हमें किसी चीज़ का डिसीजन लेना होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। जैसे हमें जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे हमने या कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब करियर होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हम लाइफ के ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं, हमारा जो लाइफ का मोड कैसा रहता है, सपोज एग्जांपल जैसे आपने 12th साइंस पास कर लिया है और आप कंफ्यूज हो कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, मतलब ये दोनों में से कोई एक डिसीजन आपको चुनना है, तो आप अपने पेरेंट्स से गाइड लेते हो, जो आपके टीचर्स रहते हैं, जो एल्डर्स रहते हैं, आप उनसे एडवाइस लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वो भी आपको यही एडवाइस देते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है कि अगर आप डॉक्टर बन सकते हो तो आप डॉक्टर वाला रास्ता आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इंजीनियर में अच्छे हो तो आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आपका मैथ्स अच्छा है आप इंजीनियर बन सकते हो। और ऐसे बहुत से बच्चों का ख्वाब रहता है, ड्रीम होता है कि वो आर्किटेक्चर बने, नेवी मर्चेंट बने, अकाउंटेंट बने, बैंकर बने, टीचर बने, सोल्जर बने, क्रिकेटर बने, एक्सेट्रा, एक्टर बने, मतलब ऐसे बहुत सारे करियर होते हैं जो कभी कभी, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा पड़ाव होता है, हमें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है कि हमारे पास एक ऐसा, हम ऐसे मोड़ पे हम लाइफ में खड़े हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमें दो रास्तों में से एक रास्ता हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बेटर होगा। जैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि हमारे लिए सही गलत की समझ हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, हमारे जो एल्डर्स रहते हैं, बड़े रहते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही नहीं सही है। लेकिन हमारी लाइफ में कभी ऐसा भी पड़ा हुआ जाता है कि हमें दो दिशाएँ दी रहती लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा रास्ता हमें चुनना है, हमारे लिए क्या सही होगा, तो हमें वो डिसीज़न लेना होता है। जैसे हमने अगर कोई करियर सिलेक्ट कर लिया कि मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, एक्सेट्रा, ऐसे करियर को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आपको एक ही डिसीज़न लेना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्सेट्रा। तो आज इस पोयम में देखेंगे जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है इस पोयम में। विल सी इन फर्स्ट स्टैंजा, पोयम नेम द रोड नॉट टेकन, मतलब हमने सही रास्ता नहीं वो रास्ते से हमने द रोड नॉट टेकन का मतलब हमने वो वाला रास्ता नहीं अपनाया कि हमारे लिए कौन सा सही रास्ता है। टू रोज डाइवर्ज इन अ येल्लो वुड, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है कि पोएट जो है एक रास्ते में जा रहा था। यहाँ पे जो पिक्चर्स देख सकते हो आप, यहाँ पे एक पोएट है जो मतलब वो ऑन द वे में जा रहा है, मतलब एक जंगल में जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उसके पास दो रास्ते दिए हुए हैं, ऐसे टू रोड्स आप देख सकते हो। अब वो कंफ्यूज है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येल्लो वुड, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अभी यहाँ पे टू रोड डाइवर्ज इन येल्लो वुड मतलब टू रोड्स डाइवर्ज इन येल्लो वुड, अभी यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक आप जंगल देख सकते हो, यहाँ पे जो यहाँ पे एक जंगल है, आप ये एक फॉरेस्ट की पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे दो रोड दिए गए हैं, यहाँ पे टू रोड्स आर गिवन, यहाँ पे दो रास्ते दिए गए हैं, और वो कहाँ पर है, ऐसे ही येल्लो फॉरेस्ट हम कहाँ बोलेंगे, जैसे ऑटोमन का सीजन आता है, जहाँ पे जो ट्रीज पे जो लीव्स रहती है क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, गिर जाती है। यहाँ पे जो पोएट है वो मतलब एक मोड़ पर आया है, एक ऐसे रास्ते पे खड़ा हुआ है, एक ऐसे रास्ते पे, जंगल के रास्ते पे खड़ा हुआ है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा रोड मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। मतलब वो रोड कहाँ पर है, एक फॉरेस्ट में है, एक
एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में है, जहाँ पे जो लीव्स हैं ड्राई हो गई है ऑटोमन की सीजन में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहा है, लेकिन मैं दोनों रास्ते से तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे दोनों में से एक ही रास्ता चुनना होगा, मुझे दोनों में से एक ही रास्ता चुनना होगा. मेरे लिए कौन सा सही रास्ता है, मुझे दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना होगा. बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, मतलब बी एंड वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, टू बेंट इन द अंडरग्राउंड. अभी यहाँ पे जो है ये इस लाइन में, ये स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है कि मैं ऐसे रास्ते से गुजर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे जंगलों के रास्ते में जा रहा हूँ जहाँ पे टू रोड्स दिए गए हैं, ऐसे दो रोड दिए गए हैं, अब मुझे चुनना है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए. और ये जो रास्ता कहाँ पर है, एक फॉरेस्ट, एक जंगलों में है, जहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे ट्रीज है जो ऑटोमन के सीजन से जो लीव्स क्या हो गई है, ड्राई हो गई है, लेकिन मुझे दोनों में से एक ही रास्ता सिलेक्ट करना है कि मुझे, मैंने दो रोड से तो ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे तो एक ही रास्ते, एक ही रोड पे ट्रैवल करना है. और ये जो रास्ता कहाँ है, ये टू रोड्स कहाँ है, एक अंडरग्राउंड मतलब एक झाड़ियों के बीच में, एक जंगलों के बीच में है. अभी हम सेकेंड स्टैंजा देखेंगे कि सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एज हैविंग परहैप द बेटर क्लेम. अभी यहाँ पे जो ये जो पोएट है उसने क्या बोला है, ठीक है मैं, मुझे एक रास्ता तो चुनना ही होगा, मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए, आइदर दिस और दिस, मतलब ये और ये. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर उसने जो पोएट है उसने चुन लिया कि मुझे शायद ये रास्ते से जाना चाहिए, जो रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा. अभी यहाँ पे जो पोएट है जो खड़ा है उसने मतलब डिसाइड कर लिया कि मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए. हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये रास्ता मेरे लिए सही साबित हो, ये रास्ता मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जल्दी गुजरा नहीं है, यहाँ पे ये सब हो सकता है, ये रास्ता मेरे लिए सही हो. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये रास्ते में बहुत सारी घास है, ऐसा लगता है कि ये इस्तेमाल कर, ये वॉन्टेड वेयर का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल में लाना, यूज में लाना. देखो यहाँ पे मीनिंग आप देख सकते हो. डाइवर्ज का मतलब क्या है, सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक अलग और डिफरेंट डायरेक्शन में जाना. वॉन्टेड ईयर यानी न्यूटेड टू बी यूज, मतलब इसको इस्तेमाल में लाना. अभी यहाँ पे जो पोएट है उसने यहाँ पे जो जंगलों के बीच में खड़ा है, एक अपनी लाइफ के ऐसे मोड में आ गया कि उसे दोनों में से एक रास्ता चुनना है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है. अभी यहाँ पे उसने मतलब डिसीजन ले लिया, फैसला कर लिया कि ये रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा. अभी यहाँ पे उसने डिसीजन ले लिया, ये रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये रास्ते में बहुत सारी ग्रास है और वो इस्तेमाल में लानी है. दो एज फॉर डैट द पासिंग देर, दो एज फॉर डैट द पासिंग देर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम. हो सकता है ये रास्ते से बहुत ही कम लोग गुजरे हैं, हो सकता है ये रास्ते से बहुत ही कम लोग गुजरे, हो सकता है मैं इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ. दो एज फॉर द पासिंग देर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम. हो सकता है कि रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, उन्हें पता होगा ये रास्ता कैसा है. अभी यहाँ पे हम थर्ड स्टैंजा में देखेंगे पोइट क्या कहना चाहता है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. अभी यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, जब मॉर्निंग हो गई, जब सुबह हो गई, तो दोनों रास्ता मुझे बराबरी का लग रहा है. जब मॉर्निंग हो गई तो मुझे ये दोनों रास्ते कैसे दिख रहे हैं, दोनों रास्ते मुझे बराबरी के दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कि दोनों रास्ते में कोई डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ यहाँ पे मतलब इन नो लीव्स स्नैप हैज ट्रोडन एस नो इन नो लीव्स इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. मतलब यहाँ के रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ तो यहाँ पे जो लीव्स गिरी हुई है, यहाँ पे जो लीव्स घास गिरी हुई है, मतलब यहाँ पे उनके किसी के स्टेप पाओ, किसी किसी के लोगों के पैरों के निशान नहीं नज़र आ रहे जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ. ऐसा लग रहा है ये रास्ते पे जो लीव्स गिरी हुई है, इस लीव्स को कोई कुचला नहीं है. स्टोडन का मतलब कुचलना, ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना, मतलब जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, जो जंगली जिस रास्ते जा रहा हूँ, जिस जंगल से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लीव्स गिरे हैं, ड्राई लीव्स, लेकिन किसी के निशान, किसी के पाँव के निशान मुझे नज़र नहीं आ रहे, कुचले हुए निशान नज़र नहीं आ रहे. ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे I doubt if I should not ever come back. अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि लगता है मैं पहली बार ये रास्ते से आ रहा हूँ,
मुझे नहीं लगता कि दोबारा मैं इस रास्ते से रास्ते से गुजरने वाला हूँ। हो सकता है मैं कभी ये इस रास्ते से वापस भी ना आऊँ। अभी यहाँ पे जो ये स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है कि जब मैं मॉर्निंग हो गई, जब सुबह मैंने इस मतलब यहाँ का जो मैंने सीनरी देखा, नज़ारा देखा, तो मुझे दोनों रोड्स बराबर लग रहे। और जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पे जो लीव्स गिरी, यहाँ पे किसी के पैरों के निशान भी नहीं है। पिछले महीने से ऐसे लगता है बहुत कम लोग यहाँ से गुजरे हुए। हो सकता है मैं ही पहला इंसान हूँ जो इस रास्ते से गुजर रहा हूँ। हो सकता है मैं कभी इस रास्ते से कभी दोबारा ना गुजरूं। अभी हम लास्ट स्टैंजा में देखेंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ इस हाई, आई शैल बी टेलिंग विथ दिस साई। साई का मतलब एक गहरी सांस लेना। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोज डाइवर्ज इन वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाय डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है, हो सकता है कि मैं कुछ सालों बाद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी उम्र बहुत गुजर जाएगी, और मैं एक क्लास में मैं क्या कहूँगा, एक गहरी सांस लेके मैं क्या कहूँगा कि मैंने कौन सा रास्ता चुना है, मैंने दोनों में से मैंने ये यहाँ पे मुझे इस जंगलों के बीच में मुझे दो रास्ते दिखाई दिए, मैंने लेकिन उन दोनों में से मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ पे कम लोग गुजरे गए हैं, कम लोग ट्रैवल किए, कम लोग सफ़र किए हैं। कुछ साल गुजर जाएंगे और तब मैं गहरी सांस लेके कहूँगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब मैं ये सुकून से ये गहरी सांस लेके ये कहूँगा कि मुझे ज़िंदगी के मोड़ में, ज़िंदगी के पड़ाव में, मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया था जहाँ पे मुझे दो रास्ते दिखाई दिए गए थे, लेकिन मैंने वो रास्ता अपनाया जहाँ पे बहुत ही कम लोग ट्रैवल किए थे, सफ़र किए थे। और ये जो रास्ता मेरे लिए मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस लेकर आया। अब यहाँ पे आपने ये देखा है लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है कि मैं जब बहुत साल गुजर जाएंगे, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो मैं एक गहरी सांस लेके क्या कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में दो रास्ते आए थे। मैं एक झाड़ियों में एक जंगलों से गुजर रहा था, मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया था कि मैंने ऐसे रास्तों को चुना जहाँ पे बहुत ही कम लोग ट्रैवल किए थे, बहुत ही कम लोग सफ़र किए थे। तो ये रास्ता मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत सारी चेंजेस ले आया, तो ये रास्ता मेरे लिए बहुत ही सही है। तो ये जो पोएम है ये हमें क्या मैसेज देना चाहती है, जैसे आपने देखा पोएट इस पोएम में क्या कहना चाहता है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव हो जाते कि हमें दो में से किसी एक को चुनना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आप स्टडी करते रहते हो, अब टेंथ या ट्वेल्थ में आते हो और ट्वेल्थ साइंस अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं कभी, लेकिन लाइफ में आपको दोनों में से किसी एक करियर को चूज करना होता है। आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, कि आप लेकिन दोनों में से कोई एक ही तो बन सकते हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से, एल्डर से, बड़ों लोग की एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, आप जिस करियर में ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे, हो सकता है कि आप डॉक्टर में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इंजीनियर में ज़्यादा कंफर्टेबल, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। सब एग्जांपल आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, तो ये आपका फाइनल डिसीजन है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लेकर आएगा कि आप अपनी लाइफ में मतलब ये फैसला कर पाओगे कि मैंने वाकई सही डिसीजन लिया जो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आया। और दूसरा एग्जांपल इस पोएम में पोएट ये भी कहना का चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसे भी पड़ाव आते हैं कि हमें हमेशा हमारे जो बड़े रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, एल्डर्स रहते हैं, हमेशा यही एडवाइस गाइड करते रहते हैं कि कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना, अगर आपकी ज़िंदगी के मोड़ में ऐसे खड़े हो गए, आपको ज़िंदगी ने भी ऐसे लाइफ में ऐसा एक पड़ाव दिखा दिया, और हमेशा आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते रहते हैं, आपको सीधे रास्ते पे चलना है। हाँ, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स बड़े हमेशा यही एडवाइस देते कि हमें सीधे रास्तों को फॉलो करना है, हमें बुरे रास्तों को अपनाना नहीं है। तो इस पोएम में पोएट यही कहना चाहता है कि हमें सीधे वही रास्ता चुनना है जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें जहाँ पे हम अपना कंफर्ट जोन फील कर सके, जो हमें अच्छा लगे, तो हमें ऐसे रास्तों को अपनाना चाहिए। सो लेट्स रीड दिस वन मोर पोएम वन मोर टाइम। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। इस पोएम के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई पड़ाव हुआ है कि हम ऐसे ज़िंदगी के मोड़ में खड़े हैं और दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करना है कि हमें बैंकर बनना है या हमें बैंकर बनना है या टीचर बनना है। तो हमें दोनों में से किसी एक को डिसीजन सेलेक्ट करना होता है, या आप बैंकर बन सकते हो या टीचर बन सकते हो। तो हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। हमें देखो, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े हमें ये हमेशा ये करते हैं कि हमें भगवान के सीधे रास्ते पे चलना, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है
जिससे भगवान हमें पाप पड़े, हमें हमारा गुनाह हो और भगवान हमसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, हमारे पैरन हमसे नाराज़ हो, तो हमें सीधे रास्तों को अपनाना चाहिए। सो लेट्स रीड दिस वन मोर टाइम। द रोड नॉट टेकन टू रोड डाइवर्ज इन अ येल्लो वुड, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, then took the other as justice fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay, in least no step had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads no to way, how doubt if I should ever come back, I shall be telling this with sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by that has made all the difference. Robert Frost, जो इस पोएम के राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। So, I hope you all have enjoyed this poem very well. Thank you.